और अब बात करेंगे मुजफ्फराबाद से। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकर का इजलास से खिताब मुतवक्के है। इजलास के मौके पर सेक्रेटेरिएट एरा में स्कूल्स दफातर में आम तातिल है। सरदार रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सरदार रजा, आगाह कीजिएगा, ये खसूसी इजलास होगा। जी बिल्कुल खालिद, आज जहाँ वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की आजाद कश्मीर एक रोजा दौरे पर उनकी जो आमद मुतवक्का और निगरान वजीर आजम आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इजलास से बाहसियत चेयरमैन कश्मीर काउंसिल जो है वो खिताब भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीरियों के साथ अदालती दहशतगर्दी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर कश्मीरियों से जो है वो इजहार यकजहती भी करेंगे और इसी हवाले से तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और आजाद कश्मीर की तमाम जमातों के मेंबरान असेंबली जो है मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं। दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद की सिक्योरिटी जो है वो भी इंतहाई सख्त कर दी गई है, जबकि हुकूमत आजाद कश्मीर की जानिब से जो असेंबली की मुलाका इमारत है उससे जितने भी दफातर और स्कूल जो है उसके साथ हैं जुड़ते हैं उनमें आज तमाम तातील कर दी गई है। और निगरान वजीर आजम के साथ माजरीन मकबूजा कश्मीर और हुर्रियत रहनुमाओं की भी जो है वो उनसे मुलाकात मुतवक्का है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए सरदार रजा खान।